दोस्तों अब तो BS6 का दौर आ चुका है और हीरो ने इस दौर में सबसे पहले खुद को शामिल किया है, इंडिया का और अपना कंपनी का सबसे पहला BS6 मोटरसाइकिल। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया का सबसे पहला BS6 मोटरसाइकिल है और ये है हीरो iSmart 110 जो कि अभी BS6 में होकर आता है। और दोस्तों ये जो मॉडल है स्प्लेंडर iSmart Plus, ये पहले जैसा ही 110cc इंजन के साथ आता है और हीरो ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किया है जो कि बोथ मैकेनिकल एंड कॉस्मेटिक चेंजेस है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है और बारीकी से आपको बताऊंगा कि इसका एक कंप्लीट रिव्यू कैसा होगा और क्या कुछ इसमें चेंजेस हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने पहली बार इस चैनल में है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के हमेशा नोटिफाइड रहिए हमारे लेटेस्ट कंटेंट से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल चेंज की बात करें तो वो इंजन में हुआ है। दोस्तों पहले की कार्बोरेटर सेटअप को हटा के अभी इसमें फुल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दिया गया है। अब इसके चलते कंपनी का ये कहना है कि ये 88% यानी कि बहुत, जैसे कि आप कहते हैं ऑलमोस्ट 90% इसमें कम NO2 एमिशन होगा यानी कि नाइट्रोजन एमिशन होगा। और इसका जो टॉर्क है ये 10% बढ़ा दिया गया है। अभी इसमें 9.89 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा जो कि हीरो को कहना है कि 10% मोर टॉर्क है और ये आपको 10% मोर टॉर्क थ्रू आउट द बैंड यानी कि किसी भी RPM में दे देगा। अब ये प्रोग्राम डेफाई है, लगभग 8 सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं जो कि इंजन को ऑपरेट करने में और कंप्लीट इस बाइक को ऑपरेट करने में काम करता है। कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट किया गया है इंजन को और पावर इसका जो है वो सेम है। अभी भी ये 4-speed गियरबॉक्स के साथ ही आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो ये है कि पहले का जैसा डबल शैसी था या फिर डाउन ट्यूब शैसी था उसको हटा के अभी इसमें डायमंड शैसी दिया गया है जो कि बाइक को और भी लाइट वेट और भी फ्लिकेबल बना देता है ट्रैफिक में। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस वो पहले से और भी बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे चेंज हुआ है दोस्तों वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस में हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अभी ग्राउंड क्लियरेंस 165 से बढ़ा के 180 mm यानी कि 15 mm बढ़ा दिया गया है और जो व्हील बेस है ये भी लगभग आपको 25 mm बढ़ा दिया गया है। यानी कि अभी आपको 1270 mm का बिगर व्हील बेस मिलेगा यानी कि स्टेबिलिटी और भी बेहतर होगा। दोस्तों इसके साथ साथ अभी इसमें एक डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जो कि S4 मॉडल में नहीं मिलता था। हालांकि ये जो बाइक मुझे मिला है ये ड्रम ब्रेक मॉडल में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक 240 mm का डिस्क ब्रेक के फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ भी इस बाइक को खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ सीट हाइट में इंक्रीज हुआ है अराउंड 14 mm क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है और इसकी जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के जो ट्रैवल है ये 15 mm बढ़ा दिया गया यानी कि 15 mm, ताकि ऑफ रोडिंग में आपको और भी बेटर कंफर्ट मिल सके। दोस्तों इसके साथ साथ इसके जो हेडलाइट और हेडलाइट का जो फेयरिंग है उसमें चेंजेस है। हेडलाइट और भी पहले से अभी आपको ब्राइटर हेडलैम्प मिलेगा और हीरो का एक 3D एम्बलम आपको हेडलैम्प हाउसिंग के ऊपर मिलेगा जो कि पहले नहीं मिलता था। और ये हेडलैम्प जो काउल है यानी कि फ्रंट हेडलैम्प काउल, इसको पहले से अभी चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये पहले से और भी अभी बड़ा बना दिया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ जो है आपको साइड में रिफ्लेक्टर्स मिलेगा फ्रंट व्हील के और ड्यूल टोन मिरर्स देखने को मिलेंगे जो कि पहले नहीं मिलता था। अब अगर आप दोस्तों गौर करेंगे तो ये जो व्हील के अलॉय पैटर्न है, ये अलॉय पैटर्न भी पहले से अभी थोड़ा सा मुझे लगा है कि इन्होंने चेंज कर दिया है ताकि आपको एक और भी रिफ्रेश लुक मिले। सीट में थोड़ा सा ज़्यादा कुशनिंग हीरो का ऐसा कहना है कि इन्होंने ऐड किया है। और पीछे अगर हम टेल लैम्प सेक्शन को देखें तो टेल लैम्प को कम्प्लीटली यहाँ पे बदल दिया गया है। अभी इसमें आपको बल्ब टाइप एक बैक लैम्प मिलेगा जो कि देखने में बहुत ही अलग है और बहुत ही गाड़ी के साथ सूट करता है। दोस्तों अभी इसमें जो कर्व वेट है वो 1 kg बढ़ा है और यहाँ पे अगर हम चेन को देखें तो चेन भी मुझे लगता है कि पहले जो कंप्लेन आता था वो अभी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद यहाँ पे आपको BS6 का जो एक सेटअप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसके जो कैनिस्टर है वो सीट के नीचे ही रहता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर जो आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा वो ये है कि इसके जो पेट्रोल टैंक है, साइड पैनल है, बैक पैनल है, कम्प्लीटली इसका जो ग्राफिक्स है, इसका जो लुक्स है, इसको बढ़ा दिया गया है। और जो पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी है वो पहले के 8.5 लीटर से बढ़ाकर 9.5 यानी कि 9.5 लीटर्स किया गया है, यानी कि 1 लीटर का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कंप्लीट द बॉडी लाइन आप देखेंगे कि नए तरह के डिकल्स और बॉडी वर्क स्टिकर्स आपको देखने को मिलेगा और टैंक में ये
कर्व और एजेस, ये जो आप देख सकते हैं थाई को बेटर तरीके से ग्रिप कराने के लिए ये भी नया इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों यही थे चेंजेस और लगभग आपको ये 8000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी कि 8000 रुपीस ज़्यादा महंगा भी हो चुका है। तो दोस्तों ये हो गया इसके चेंजेस, अगर मुझे कुछ और भी याद आया तो आपको मैं और बताऊंगा, लेकिन लगभग जितने भी सारे चेंजेस यहाँ पे थे वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसके साथ साथ जो पीछे का ब्रेक है वो अभी 110 से लेकर 130 mm बना दिया गया है। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं इसमें आपको नॉर्मल फिक्स्ड क्लियर लेंस इंडिकेटर के साथ साथ हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो हैंडल बार है ये पहले क्रोम में आता था, अभी इसको ब्लैक्ड आउट किया गया है और इसमें आपको स्टैंडर्ड स्विच गियर के साथ साथ फुल्ली ब्लैक ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, जो कि आपको गियर लीवर में भी मिलेगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी स्विच गियर और I3S का सिस्टम मिलता है, जो कि हीरो का इंजन ऑफ करने का टेक्निक है, फ्यूल सेविंग टेक्निक है। और साथ साथ जो मीटर मिलते हैं वो पहले जैसा ही, इसमें आपको डिजिटल एनालॉग का कॉम्बाइन मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें एनालॉग में आपको स्पीड और फ्यूल स्टेटस देखने को मिलेगा और डिजिटल में आपको ओडोमीटर ट्रिप मीटर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन वार्निंग लाइट, न्यूट्रल लाइट और इंडिकेटर्स, हाई बीम का इंडिकेशन भी यहाँ पे आपको मीटर में देखने को मिलेगा। लगभग एक बहुत ही क्लीन लुकिंग सेटअप यहाँ पे इन्होंने दिया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम इसकी लुक्स की बात करें तो हैंडल बार की लुक्स और इसका जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, आप आराम से इसको राइड कर सकते हैं अपराइट पोजीशन में बैठ के। दोस्तों यहाँ पे अभी 9.5 लीटर्स का, जैसे मैंने आपको कहा, फ्यूल टैंक दिया गया है, इसका कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स और जो सीट है ये काफ़ी बहुत ही बड़ा है और टैंक के ऊपर से ही इसका सीट शुरू हो गया है, तो आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिंग मिल जाएगा राइडर और पिलियन के लिए। पीछे आपको स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल मिलेगा और बैक लैंप सेटअप आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और इसमें जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं दोस्तों ये फ्लेक्सिबल तो नहीं है लेकिन क्लियर लेंस है और काफ़ी ये शार्प दिखता है। दोस्तों अगर हम इंजन में फिर से आए, जो कि इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है, तो इंजन में अभी पहले से ज़्यादा रिफाइनमेंट ऐड कर दिया गया है और किसी भी वेदर में इजी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इसमें 8 सेंसर्स काम करता है और कम्प्लीटली ये BS6 कंप्लायंट और फ्यूल इंजेक्शन इसमें दिया गया है। दोस्तों ये एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल 110 cc का इंजन है, जिसमें अच्छी बात है कि सेल्फ के साथ साथ किक स्टार्ट भी अवेलेबल किया गया है, जो कि ज़्यादातर FI बाइक्स में नहीं आता है। इसमें आपको पहले जैसा ही 9.5 PS का पावर मिलेगा 7500 RPM में और जो टॉर्क है वो मिलेगा 9.89 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। फुल्ली ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें दिया गया है, सारे जो ब्रेक और गियर लीवर्स है वो भी फुल्ली ब्लैक्ड आउट बना दिया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम आते हैं सस्पेंशन पर, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेगा, जो कि पहले से 15 mm इसका ट्रैवल बढ़ा दिया गया है और पीछे आपको ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे रेड कलर के स्प्रिंग्स में, जो आप 5 बार एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम टायर्स की बात करें तो फिलहाल इस बाइक में 18 inch के दोनों ही साइड ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं और सस्पेंशन आप देख सकते हैं दोस्तों, सस्पेंशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और सिटी फोकस्ड सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे आता है। जैसे कि मैंने आपको कह रहा था दोस्तों, दोनों ही तरफ आपको 18 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे 80x100 साइज का, फ्रंट और रियर दोनों पे ही अलॉय रिम्स मिलेंगे और फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा विथ IBS, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करता है। अब ये जो टायर्स है ये सिटी के हिसाब से बनाया गया है और पीछे भी आपको वही टायर्स मिलेंगे, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा और अगर आप चाहे तो फ्रंट डिस्क ब्रेक मॉडल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको फ्रंट में 240 mm का डिस्क देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप एग्जॉस्ट के ऊपर एक हीट शील्ड देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। अब दोस्तों इसका अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो अराउंड आपको 60-65 kilometers पर लीटर का माइलेज मिलेगा और FI होने की वजह से पहले से इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, इंजन का परफॉर्मेंस है और माइलेज है, ये पहले से और भी बढ़ गया है लगभग 10-12%। दोस्तों यहाँ पे कर्ब वेट है 116 kg और ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm और सीट हाइट 799 mm किया गया है। पहले जो इसका चेन स्प्रॉकेट में प्रॉब्लम आता था, मुझे उम्मीद है कि इस बार ये ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि कंप्लीट बाइक नई तरीके से दिया गया है, तो मेरे ख्याल से वो इशू भी अभी एड्रेस्ड हो चुका है। बाकी आप लोग यूज़ करके मुझे फीडबैक दीजिए, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता की बात करें तो पहले से लगभग यहाँ पे 8000 rupees का यहाँ ये इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में और BS6 FI
आईस्मार्ट 110 मॉडल अभी आपको कोलकाता में 65,400 रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगा। और ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप ज़रूर अपने नियरेस्ट डीलर से बात करें। तो दोस्तों यही था एक फर्स्ट इंप्रेशन और डिटेल रिव्यू वॉक अराउंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। आगे फिर मिलेंगे किसी ने वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।